एपिसोड 2 की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड से ही होती है, जहाँ पे आर्नोल्ड ऋषि को अपनी वाइफ बनने के लिए कहता है और ऋषि भी इसका प्रपोजल सुन के तो काफी तक कंफ्यूज हो रखी थी। और वहीं साइड में जो इसका फियांसे और बाकी लोग होते हैं, ये सुन के तो हैरान हो जाते हैं कि उसे आर्नोल्ड प्रपोज कर रहा है। और जो ऋषि होती है वो सारी सिचुएशन को रियलाइज करके आर्नोल्ड को रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्शन सुन के तो आर्नोल्ड हंसने लगता है, जो देख के ऋषि तो और भी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है, ये ऐसे हंस क्यों रहा है, किसी ने तो मुझे पिछले लाइफ में मार दिया था, आखिरकार ये चाहता क्या है। तभी वहां पे किंग भी आ जाते हैं और किंग का बेटा अपने फादर को देख के उनके पास जाने लगता है ऋषि की शिकायत लगाने, लेकिन किंग तो प्रेज को मार के झुक जाता है और आर्नोल्ड से माफी मांगता है और ऋषि से भी, और बोलते हैं मेरे बेटे को माफ कर देना और मुझे पता है कि आपने आर्नोल्ड का प्रपोजल सुन लिया है। आर्नोल्ड किंग के पास आके कहता है कि अब तुम्हारे कंट्री और मेरे कंट्री का रिलेशन खराब होने वाला है और अगर ये तुम नहीं चाहते हो तो तुम जल्दी से मेरे और ऋषि के बात करने के लिए एक जगह का इंतजाम करो। जो सुन के किंग तो ऋषि से भीख मांगने लगते और कहते हैं प्लीज आर्नोल्ड से बात कीजिए। वही आर्नोल्ड कहता है अगर तुमने मेरी बात को टाला तो तुम जानते ही हो कि मैं क्या करूंगा। और इतना सब होने के बाद ऋषि को मानना ही पड़ता है उसकी बात। अब ऋषि और आर्नोल्ड एक जगह पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। ऋषि उससे पूछती है आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या है। आर्नोल्ड कहता है मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऋषि अपने मन में सोचती है प्यार या कुछ और भी तरीके से मैं बच नहीं सकती, क्योंकि मैं हर एक बार अपने पिछले लाइफ में एक वॉर में फंस के मरी जाती थी और हर एक बार वॉर को स्टार्ट करने वाला आर्नोल्ड ही था। और ऐसा क्यों है कि हर बार आर्नोल्ड वॉर को क्यों स्टार्ट करता है? अगर मैं उसके पास रहूंगी तो मुझे पता चलेगा कि वो वॉर क्यों स्टार्ट करता है। ऋषि कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी भी रिक्वायरमेंट है। तो आर्नोल्ड कहता है तुम्हारी जो भी रिक्वायरमेंट है मैं पूरी करूंगा, तुम बस बोलो। ऋषि बताने लगती है मैरिज सेरेमनी के लिए जितनी भी चीजें लगेगी वो सारी चीजें मेरे बताए गए कंपनी से ही खरीदोगे और मैरिज के लिए एक ऐसी जगह चुनोगे जहाँ पे अलग अलग कंट्री से लोग आ सके। और शादी के बाद मैं तुम्हारी फैमिली यानी कि एम्परर के साथ नहीं रहूंगी, मैं अलग रहूंगी। और आखिरी बात मैं अपने मुताबिक ही सभी चीजें करूंगी, मैं घूमूं फिरूं सोऊं कहीं जाऊं वो मेरी मर्जी से होगा। और एक और बात, तुम किसी भी बात पे मेरे पे उंगली नहीं उठाओगे। यार ये लड़कियों की डिमांड ही काफी ज्यादा होती है। ये सुन के आर्नोल्ड हंसने लगता है और कहता है मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ऋषि आर्नोल्ड के साथ जा रही होती है और उन्हें जाते जाते कई दिन और रात लग जाते हैं और सफर के थकान के वजह से ऋषि सो जाती है और आर्नोल्ड उसके धीरे धीरे पास आने लगता है। तो ऋषि जल्दी से आंख खोल लेती है और अपने तलवार से उसे ब्लॉक करती है और उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे पे उंगली नहीं रख सकते। आर्नोल्ड कहता है मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, तुम्हारे हाथ में तो मेरी तलवार थी इसलिए मैं उसे ले रहा था। और ऋषि जब देखती है कि वो आर्नोल्ड की तलवार है तो जोर से वो चिल्लाती है और वो कहती है मुझे माफ कर देना, ये लो आपकी तलवार। जिसके बाद आर्नोल्ड कहता है कि जैसे कि तुमने मुझे नींद में भी सेंस कर लिया, इसका मतलब यह है कि तुमने काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी है। जिसके जवाब में ऋषि घबरा के हाँ बोलती है। आर्नोल्ड कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था मैंने आर्या कंपनी से सब कुछ खरीद लिया है, हाल फिलहाल में ये कंपनी कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है। और ऋषि आर्नोल्ड का शुक्रिया अदा करती है ये सब करने के लिए। ठीक तभी एक बैंडिट का ग्रुप उन पे हमला कर देता है जिस वजह से आर्नोल्ड के सोल्जर उन बैंडिट से लड़ने लगते हैं, जो देख के आर्नोल्ड कहता है कि तुम अंदर ही रहना और वो दरवाजे को लॉक करके चला जाता है। ऋषि कहते हैं कि मैं ऐसे ही बैठ के देखती नहीं रह सकती और वो अपने बालों से क्लिप निकाल कर उस दरवाजा को खोल कर बाहर आती है और वो बाहर आके देखती है कि आर्नोल्ड ने तो सारे बैंडिट की छुट्टी कर दी। वहीं पे आर्नोल्ड तो इतना बैडस लग रहा होता है, वो उन लोग से कह रहा होता है कि मुझे मजा नहीं आया, तुम लोग इतनी आसानी से हार गए। पर ये रूप देख के तो आर्नोल्ड का ऋषि काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो तभी देखती है कि आर्नोल्ड ने किसी भी बैंडिट को मारा नहीं है, उन्हें सिर्फ थोड़ा थोड़ा जख्मी किया है। दूसरी तरफ बैंडिट से लड़ने की वजह से जो आर्नोल्ड के सोल्जर थे उनको भी चोट लगी हुई थी, जो देख के ऋषि उन सोल्जर के पास आती है और वो डैगर पे देखती है तो डैगर पे तो जहर लगा होता है। दूसरी तरफ ओलिवर कहता है कि अभी भी हमें एम्परर में जाने के लिए 2 दिन बचे हुए हैं तो मुझे लगता है कि पासी वाले विलेज में जाके हमें एंटीडोट ले लेना चाहिए। ऋषि खड़ी होकर कहते हैं कि मैं एंटीडोट बना सकती हूँ और ये सुन के तो वो दोनों हैरान होते हैं। जिसके बाद ऋषि काफी सारे हर्ब्स को लेके एंटीडोट बनाने लगती है
ये देख के सभी सोल जाए, यहाँ तक कि आर्नोल्ड और ओलिवर भी हैरान होते हैं। फिर जब एंटीडोट बन जाता है तब वो अपने मन में सोचते हैं, लगता है ये लोग मेरे पे शक कर रहे हैं। युद्ध के वो डैगर उठा के अपने ही हाथ पे कट लगाती है और आर्नोल्ड दौड़ते हुए आता है उसे रोकने के लिए। ऋषि कहते तुम चिंता मत करो और वो अपना एंटीडोट अपने हाथों पे ही लगा लेती है और वो उन लोग से कहती है कि अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम इससे ठीक होगे या ऐसे ही रहोगे। अब अगले सीन में सभी लोग वही एंटीडोट को लगा रहे होते हैं। जो ऋषि होती है वो अलग अलग हर्ब्स को कलेक्ट कर रही होती है। तभी आर्नोल्ड उसके पास आता है और कहता है आखिरकार तुम कैरिज से बाहर कैसे निकली। ऋषि कहती है कि ये भी एक सीक्रेट है, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। और वो अपने मन में कहती है जब मैं पिछले लाइफ में सर्वेंट थी तब मैं ऐसे ही बहुत सारे डोर को खुला करती थी। वही आर्नोल्ड तो उसे ही घूरे जा रहा था। तो ऋषि कहती है क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। आर्नोल्ड कहता है नहीं मुझे किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम और क्या क्या कर सकती हो और इसके बाद तुम मुझे और कैसे एंटरटेन करोगी। ऋषि कहती है यो हाइनेस ये मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रही हूँ। फिर तभी आर्नोल्ड उसे झुक के थैंक यू कहता है उसके सारे सोल्जर को बचाने के लिए। और उसका ये बिहेवियर देख के ऋषि तो काफी तो हैरान होती है और वो सोचती है क्या ये वही है जिसने मुझे मारा था। और फिर ऋषि आर्नोल्ड से कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि सभी के सभी सोल्जर मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। आर्नोल्ड कहता है कि जब सभी सोल्जर्स को पता चला कि तुम ड्यूक की बेटी हो और तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है तो सभी को लगता है कि तुम एक बिगड़ैल लड़की हो। ये सुन के ऋषि कहते हैं कि फिर तुमने अपने फादर को कैसे कन्फेस किया मेरे लिए। आर्नोल्ड बताता है कि उसने ये कहा कि मैंने एक ड्यूक की बेटी को देखा जो कि रॉयल फैमिली की है और वो क्राउन प्रिंस से एंगेज होने वाली थी, लेकिन वो लड़की मुझे पसंद आई इसलिए मैंने उसे उठा लिया। ये सुन के ऋषि कहती है तुम्हारा मतलब कि मैं एक होस्टेज हूँ। आर्नोल्ड कहता है तुम ऐसे कुछ समझ लो और मेरे कंट्री के लोग तुम्हारे साथ थोड़ा मिसबिहेव कर सकते हैं तो तुम थोड़ा कोऑपरेट करना। ये सुन के तो ऋषि उल्टा खुश हो जाती है और कहती है अगर मैं एक होस्टेज की तरह ट्रीट हुई तो मुझे कोई ऑफिशियली बिजनेस में जाना नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसको खुश देख के आर्नोल्ड भी कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने मन में कहता है आखिरकार ये लड़की कैसी है। अगले सीन में वो लोग गलकहिन कंट्री में पहुंच जाते हैं और ये कंट्री बाकी कंट्री से बड़ा और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। और ये सब देख के तो ऋषि भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो लोग फाइनली कासल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बारे में ऋषि आर्नोल्ड से पूछती है, आर्नोल्ड कहता है लगता है विला का अभी भी डेकोरेशन पूरा नहीं हुआ है तो तुम्हें गेस्ट रूम में रहना पड़ेगा। तो ऋषि कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वैसे भी मैं एक हॉस्टेज हूँ ना। आर्नोल्ड कहता है कि तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं ऋषि अपने कपड़े को चेंज कर लेती है और वो तैयार हो जाती है इस पूरे विला को सफाई करने के लिए। तभी कुछ गार्ड्स भी उसकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन ऋषि कहती है मुझे तुम लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग इस फर्नीचर को सामने से हटा सकते हो। इसके बाद ऋषि पूरे कासल को साफ करने लगती है और वो कहती है कुछ साल बाद आर्नोल्ड ने अपने फादर को मार दिया था और वो खुद एक एम्परर बन जाता है जिस वजह से वॉर स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से मैं उसकी और उसके फादर की दूरी बनाए रखने के लिए मैंने अलग रहने का सोचा। और ऋषि ये सब सोच के जा रही होती है तभी वो सामने में कुछ मेट को देखती है जो कि बातें कर रहे होते हैं और वो तो एक मेट को बुली कर रहे होते हैं। वो लोग उस मेट से कह रहे होते हैं कि क्राउन प्रिंसेस के तो हम ही सर्व करेंगे बेवकूफ मेट। उस मेट को बचाने के लिए ऋषि वहां पे आ जाती है और वो मेट तो ऋषि को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि उसने मेट के आउटफिट पहनी होती है और उन लोगों को लग रहा होता है कि ये भी एक मेट है। ऋषि उस मेट से कहती है क्या तुम ठीक हो, वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सामने से जो वो मेड होते हैं वो तो उल्टा ही ऋषि पे गुस्साने लगते हैं। ऋषि उन लोग से कहती है कि तुम्हें भारी और मोटे कपड़े को नहीं धोना चाहिए कि कुछ ही समय के बाद बारिश होने वाली है, जिस पे वो मेड पूछती है कि ये तुम्हें कैसे पता। ऋषि कहती है कि मैं पंछियों की आवाज और बादलों को देख के पहचान सकती हूँ, लेकिन वो मेड ऋषि की बात को अनदेखा करके वहां से चले जाते हैं। और जिस मेड को बुली करे होते हैं वो ऋषि का शुक्रिया अदा करती है उसको बचाने के लिए और वो अपना नाम भी बताती है कि उसका नाम एलसी है। ऋषि उसके कपड़े देखती है तो उसके कपड़े गंदे हो चुके थे उसके गिरने की वजह से, तो वो उसे एक ब्रश भी देती है जिससे कि उसके कपड़े अच्छी तरह साफ भी हो जाए और खराब भी ना हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सही में बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के खत्म होने के बाद ऋषि बालकनी में खड़ी होके वहां से व्यू देखने लगती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है उसे। तभी उसे किसी की प्रेजेंस सेंस होती है और वो कहती है तुम्हें ऐसे ही ऑफिशियल ड्यूटी से भाग के नहीं आना चाहिए। और हमें पता चलता है कि वो आर्नोल्ड होता है
और वो कह रहा होता कि तुम मुझे हर बारी सरप्राइज करती हो, मुझे लगा था कि तुम मेरे प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाओगी, लेकिन तुमने तो बहुत डिस्टेंस के बावजूद मेरे प्रेजेंस को सेंस कर लिया। ऋषि कहती है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हमेशा प्रेजेंस को सेंस कर सकती हूँ। फिर आर्नोट कहता है कि तुम यहाँ पे खड़ी होकर क्या देख रही हो, तो ऋषि कहती है कि मैं यहाँ से सुंदर व्यू देख रही हूँ। फिर वो अलग अलग जगह के बारे में पूछने लगती है और आर्नोल्ड उसके सवाल का जवाब दे ही जा रहा होता है, और ये सब जान के तो ऋषि काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। ये देख के आर्नोल्ड हैरान होता है और बोलता है तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड कैसे हो, क्योंकि इस कंट्री में तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं, क्या तुमने इसी वजह से मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोला था। ऋषि कहती है मैं इस कंट्री को एडमायर करती हूँ, कि मैं बहुत समय से इस कंट्री में आना चाहती थी, लेकिन किसे पता था कि मेरी इसी कंट्री में शादी होगी। आर्नोल्ड कहता है कि मुझे नहीं लगता इस कंट्री में कुछ ऐसा भी है जिसे तुम एडमायर करो। ऋषि कहती है ये ट्रू नहीं है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है और खूबसूरत लोग भी जो कि हमेशा स्माइल करते रहते हैं। उसकी बात सुन के तो आर्नोल्ड स्ट्रेंज फेस बना लेता है। वो देखे ऋषि उससे कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा। आर्नोल्ड कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की कभी पहले नहीं देखी, तुम्हारे पास नॉलेज है, फिजिक्स है और स्किल भी है। ये सब सुन के ऋषि को अपना पास्ट याद आता है। यहाँ पे ऋषि पढ़ना चाहती थी लेकिन उसकी मदर उसे पढ़ने नहीं दे रही थी। उसकी मदर कहती है कि तुम्हें पढ़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा, अच्छा होगा कि तुम घर का काम सीख लो और तुम मैरिज के बाद घर को अच्छी तरह संभाल पाओगी। ये सब याद करके ऋषि कहती है कि मेरी लाइफ मेरी वैल्यू से डिसाइड होती है कि मैं उसे कितना वैल्यू करती हूँ। जो सुन के आर्नोल्ड ऋषि के गाल पे हाथ रख के कहता है कि तुम फ्री हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। ऋषि कहती है ऐसा क्यों। जवाब में आर्नोल्ड कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ अपने डिसीजन को लेके क्लियर हो जाओ, तुम अपने लाइफ में आखिरकार चाहती क्या हो, क्योंकि मैंने अभी अभी अपने एक एग्रीमेंट को तोड़ दिया। मैंने बोला था कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें टच किया। और ये बोलकर वो यहाँ से चले जाता है। और उसके जाने के बाद ऋषि तो काफी ज्यादा डरने लगती है और कहती है आर्नोल्ड आखिरकार चाहता क्या है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा और बाय।